कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामानों के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि तरंग ओवरब्रिज के नीचे से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान हिमांशु निषाद पुत्र स्वर्गीय अशोक निषाद निवासी बोकटा थाना गीरा तथा रोशन गुप्ता पुत्र मंगरू गुप्ता निवासी ग्राम महुआ शुक्ल थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मारुति वैन, 20 कार्टून पॉम रिफाइन ऑयल, 9,990 रुपए नगद बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजीव कुमार, उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह, नखास चौकी प्रभारी राम सिंह, कांस्टेबल अजीत सिंह यादव, अनिल कुमार गुप्ता, रवि प्रकाश राय, गुड्डू राजभर, पीयूष कुमार सिंह, महिला कांस्टेबल पूजा यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, समूचा है घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रक में से पाम ऑयल के कार्टन जो है उसको चोरी कर लिया गया था। और उस संबंध में मुकदमा प्रासंख्या 183/21 धारा 379 और 411 पंजीकृत किया गया था। इसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तरंग ओवरब्रिज के नीचे से इन्होंने गिरफ्तार किया गया है आज 8:15 पर। ये हिमांशु निषाद हैं और रोशन गुप्ता हैं, और इनके पास से हमें मारुति वैन, 10 कार्टून पाम रिफाइन और 4800 कैश बरामद किया गया है। हिमांशु निषाद की तरफ से बरामद किया गया, और रोशन गुप्ता के पास से 10 कार्टून पाम रिफाइन ऑयल और 5100 रुपये नगद बरामद किया गया। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, पहले भी इन पर चोरी के मुकदमे भी लिखे गए हैं इन दोनों के ऊपर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिमांशु निषाद पे गैंगस्टर की भी एक्ट का भी मुकदमा पंजीकृत है। ये लोग पहले रेकी करते थे, पता करते थे उसके बारे में, और उसके बाद जब इनको मौका मिलता था तो ये लोग उसको चुरा लेते थे। चोरी का सामान इन्होंने अलग अलग स्थानों पर बेचते थे, और कई सारी घटनाएं पहले भी चोरी की गई हैं। इसके अतिरिक्त आबकारी के भी कुछ मुकदमे हैं हिमांशु निषाद पे, तो जहाँ भी जिस तरह के इसको कस्टमर मिलते थे वहाँ पर नहीं। अभी ये दो लोग थे, इन दो लोगों के बारे में अभी वांटेड है, एक व्यक्ति इसमें वांटेड है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।